बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हम लोगों की लाइफ में, पोर्स क्लीन नहीं होता है, जो भी चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं मेकअप एंड ऑल, सब की पोर जो है वो एकदम क्लॉग हो जाती है, तो उसे क्लीन करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसी के लिए पील ऑफ मास्क की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। हाई गाइस, दिस इज़ उमा, वेलकम टू माई चैनल। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो एक रिव्यू वीडियो है। तो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ हेल्थ विट की तरफ से एक्टिवेटेड चारकोल प्यूरिफाइंग पील ऑफ मास्क। सब्सक्राइब कीजिए उमा ब्लॉग्स चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। ठीक है, ये है प्रोडक्ट। तो ये मुझे तकरीबन 1 मंथ आई थिंक हो गया होगा मुझे भेजा गया है, तो तब से मैं इसे वीक में एटलीस्ट 1 टाइम और नहीं तो 2 वीक्स में 1 टाइम यूज़ करती थी इसे, इस प्रोडक्ट को। मैं डेमो ज़रूर दिखाऊंगी, उसके लिए वीडियो आपको एंड तक देखना होगा। ये प्रोडक्ट एक कार्डबोर्ड लाइक बॉक्स में आता है, शायद आप देख सकते हैं। तो ये है वो प्रोडक्ट, एक्टिवेटेड चारकोल पील ऑफ मास्क। ये एक प्लास्टिक का ट्यूब है, इसे लेकर आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। ये 50 ग्राम का प्रोडक्ट है और इसकी जो प्राइस है ये है 350 रुपीज़। और आप इसे अगर अमेजोन से परचेस करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट में ये आ जाएगा। और इसकी जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से इसे परचेस कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा। इस पर जो भी इंग्रेडिएंट यूज़ किया गया इसके पिक्चर में यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन कर दूंगी। बहुत ही मिनिमम जो चीज़ यहाँ पर यूज़ किया गया है, लेस केमिकल वाला ये प्रोडक्ट है। हेल्थ विट का जो भी प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो बिल्कुल पैराबेन फ्री और लेस केमिकल वाला प्रोडक्ट होता है। जैसे आप इसे यूज़ करेंगे सब कुछ इसके पीछे बॉक्स के पीछे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, जैसे कि स्टेप 1 आपको यहाँ पे दिया गया है कि आपको एक मीडियम और थिक लेयर इस मास्क का आपको लगाना है जहाँ पे आपको ज़रूरत है। जैसे कि आप नाक पे इसे अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहे तो फुल फेस में भी इसे लगा सकते हैं। जैसे कि पील ऑफ मास्क हम सब जानते हैं कि इसे मिनिमम कुछ टाइम तक रखना पड़ता है, तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि 20 to 30 मिनट तक इसे रखना है और फिर इसे पील कर देना है। तो स्टेप 3 जो है फिनिश विद टोनर आफ्टर यूजिंग द मास्क। तो ये बहुत ही एक ज़रूरी स्टेप है, जो लोग पील ऑफ मास्क यूज़ करते हैं उन लोग के लिए मैं स्पेशली बता रही हूँ। पील ऑफ मास्क यूज़ करने के बाद टोनर लगाने की ज़रूरत है, इधर आप टोनर यूज़ करो नहीं तो एलोवेरा जेल अपने फेस पर यूज़ करो, क्योंकि जब हम पील करते हैं तो फेस से हेयर भी बहुत सारे निकल जाते हैं, तो वो उस जगह पे ना पोर्स बिल्कुल खुल जाती है, तो उसे बंद होने की ज़रूरत है। ठीक है, तो उसके लिए टोनर और नहीं तो कुछ कामिंग जेल जैसे कि एलोवेरा जेल, क्यूकम्पर जेल, ऐसा कुछ अपने फेस पे तुरंत अप्लाई कीजिए। जैसे कि इसमें क्लेम किया गया है कि ये आपकी स्किन को रिवाइटलाइज करेगा और आपकी पोर्स को जो है क्लीन करेगा। जो और हेल्थ विट का प्रोडक्ट सिर्फ वीमेंस के लिए नहीं है, मेंस के लिए भी है, जो कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि फॉर मेन वीमेन दोनों ही इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। और पील ऑफ मास्क आपको यूज करना है बिल्कुल ड्राई फेस में। मैं पील ऑफ मास्क की एक क्विक टिप दे देती हूँ, जैसे कि मैं करती हूँ, मैं पूरी फेस में जनरली पील ऑफ मास्क अप्लाई नहीं करती हूँ। मैं नोज की साइड में यहाँ पे और चिन पे अप्लाई करती हूँ पील ऑफ मास्क, क्योंकि मेरी जो ओपन पोर्स हैं बहुत ज़्यादा और मेरी नाक में ब्लैक हेड्स भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और यहाँ पे वाइट हेड्स आते हैं, तो इसकी वजह से ये दोनों एरिया मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब मैं पील ऑफ मास्क लगाती हूँ उसके पहले मैं गुनगुना गर्म पानी से अपनी नाक को और यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्रेस कर लेती हूँ। आप चाहे तो रुमाल को पानी में गुनगुना गर्म पानी में भिगो के भी आप ये कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी। तो ये करके फिर उसे ड्राई कर लीजिए, फिर आप पील ऑफ मास्क को अपने जहाँ पर आप लगाना चाहते हैं वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये स्टेप स्पेशली मैं बता रही हूँ जिन लोगों को ओपन पोर्स है, ब्लैक हेड्स है, वाइट हेड्स है, उन लोगों के लिए। तो उसके बाद जब आप पील ऑफ मास्क अप्लाई करेंगे तो आप खुद देखोगे आपकी जो ब्लैक हेड्स है बहुत ही अच्छी तरीके से रिमूव हो जाती है, क्योंकि गर्म पानी जब हम लोग फेस पे अप्लाई करते हैं तो उस टाइम पे फेस के जो पोर्स है सब कुछ ओपन हो जाते हैं, जितने डर्ट जो भी है, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, सब कुछ एकदम आराम से निकल जाती है। ठीक है, तो ये आप ज़रूर कीजिएगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। इस पील ऑफ मास्क की जो टेक्सचर है बिल्कुल हल्का है और इसे आपको 2 या 3 लेयर तक पे अप्लाई करना होगा और ये इजीली निकल जाता है 20 मिनट्स के बाद। आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, आप बहुत ही इजीली इसे रिमूव कर सकते हो और ब्लैक हेड्स बहुत ही अच्छी तरीके से निकल जाती हैं। इसकी जो स्मेल है फेविकॉल लाइक स्मेल है, बट दैट्स ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है ज़्यादा। मेरी नाक में जो ब्लैक हेड्स थी वो सारी क्लीन हो गई है।
तो ये था मेरी आज की वीडियो। पूजा बहुत ही नज़दीक है तो आप लोग स्किन केयर प्रोडक्ट तो ज़रूर परचेस करोगे, तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप एक ऐसा कुछ परचेस कर ही सकते हैं। पोर्टेबल रेंज के अंदर आ जाते हैं चारकोल पील ऑफ मास्क, बहुत ही अच्छा एक चीज़ है हम लोग की पोर्स को क्लीन करने के लिए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अगर आपको लगे कि हेल्पफुल है तो फ्रेंड के साथ फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और भी किसी की हेल्प हो। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और आगे चल के और भी अच्छी नए वीडियोज़ देखने के लिए मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।